हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने अपने राजमहल का त्याग करने के बाद कहाँ गए, कौन कौन से गुरु के पास गए, उन्होंने क्या सीखा और कौन सी ध्यान विधि सीखी, और वे सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने। इस पूरी कहानी को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। सिद्धार्थ ने सभी पंथ और परंपरा का खुद स्वयं ही परीक्षण करने का निश्चय किया। वो आलार कालाम ऋषि को मिलने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें भृगु ऋषि का आश्रम दिखा। वहाँ वो यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। वहाँ जाकर वो सब कुछ देख रहे थे। गौतम, जो मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों का विचित्र विचित्र तपस्या करते निरीक्षण किया। यह वाक्य समझने जैसा है। उन्होंने पहली बार इतनी सारी अलग अलग तपस्या देखी। भृगु ऋषि ने सिद्धार्थ को सभी तपश्चर्या के बारे में बताते हुए कहा, पानी में से उत्पन्न भोजन, बिना पका हुआ भोजन, पेड़ों के मूल और फल ही धर्मशास्त्र के अनुसार तपस्वियों का भोजन है, और तपस्या के अनेक प्रकार है। कुछ तपस्वी पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे तपस्वी हिरण की भांति सिर्फ घास खाते हैं, और कुछ तो बस हवा पर जिंदा है। वो दिखने में बिल्कुल चींटियों के बनाए टीले की तरह हो गए हैं। दूसरे बहुत ही कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, और कहीं तपस्वी अपने दांतों से पीसकर अन्न खाते हैं। कुछ सन्यासी मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं और उनके शरीर को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग और कम कष्ट सहने से मनुष्य लोक प्राप्त होता है। कष्ट सहन ही पुण्य प्राप्त करने का मूल है, और वे अंत में सुख पाते हैं। यह सब सुनकर गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा प्रथम अवसर है। आपकी यह तपस्या मेरी समझ में नहीं आ रही। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी ये तपस्या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो संसार के दुख का मूल कारण जानकर उसे दूर करने का उपाय निकालना है। क्या मैं आपसे विदाई ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या का हल खोजने में सहायक हो सकती है। सिद्धार्थ का यह संकल्प देखकर भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने युवा होने के बावजूद भी स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है, और तुमने स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष को चुना है। तुम निसंदेह वीर हो। तुम शीघ्र से शीघ्र विंध्य प्रदेश जाओ। वहीं मुनि आलार कलाम रहते हैं, जो निरपेक्ष सुख के ज्ञाता है। ऐसा सुख जो सापेक्ष ना हो, जो सुख किसी दूसरे पे आधारित ना हो। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तुम वहाँ भी रुकोगे नहीं। तुम उनके सिद्धांतों का अभ्यास करके आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनका धन्यवाद किया और विंध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़े।
हालार कलाम उस समय वैशाली नगर में ठहरे हुए थे। गौतम हालार कलाम के आश्रम पहुँचे और कहा, मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। हालार कलाम ने स्वागत करते हुए कहा कि तुम्हारा शील, चारित्य और दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हें कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। हालार कलाम ने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। हम उस विषय में अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि सांख्य दर्शन को समझने के लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो आवश्यक है। सांख्य दर्शन से हम ब्रह्मांड में और आपके आसपास होने वाली परिस्थिति और कोई भी घटना क्यों और कैसे घटती है उसे समझेंगे। ब्रह्मांड जिसमें हम, आप और सारी चीज़ें हैं, वो कैसे अस्तित्व में आती है उसे भी समझेंगे। तो सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हालार कलाम से समाधि लगाने की पद्धति सिखाने के लिए अनुरोध किया। उस समय ध्यान मार्ग की तीन पद्धतियां प्रचलित थी। तीनों पद्धति में एक बात समान थी, वो यह थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता पा सकते हो। सांस को नियंत्रण करने की एक पद्धति को आनापान सति कहा जाता है। इस ध्यान को समझने के लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर दिखाए आई बटन से आप उस वीडियो को देख सकते हो। सांस को वश में रखने की दूसरी पद्धति थी जिसका नाम प्राणायाम था। इसमें सांस लेने के लिए तीन विभाग किए गए थे। प्रथम भाग में सांस को अंदर खींचना होता है जिसे पूरक कहा जाता है। दूसरे भाग में सांस को अंदर रोके रखना जिसे कुंभक कहा जाता है। और तीसरे भाग में सांस को बाहर निकालना जिसे रेचक कहा जाता है। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। हालार कलाम ध्यान मार्ग में निष्णात थे। सिद्धार्थ ने हालार कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का अभ्यास करने लगे। समाधि ध्यान मार्ग की 7 सीढ़ियां थी। सिद्धार्थ ने इस ध्यान विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया और कुछ ही समय में समाधि ध्यान के 7 चरण में सिद्धार्थ पारंगत हो गए। सिद्धार्थ इतने ध्यानमय हो जाते कि उनके आगे रखे हुए भिक्षा पात्र में पक्षी आकर खाना खाने लगते थे। इतने ध्यानमय कि पक्षी को वो पत्थर या निर्जीव ही मालूम होते थे। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और है? तब हालार कलाम ने कहा, मित्र अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अब कुछ नहीं। तुम मेरे आश्रम का नेतृत्व करो और मेरी जगह तुम ले लो। सिद्धार्थ ने माफी मांगते हुए कहा, अभी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। कृपया करके मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दे। हालार कलाम ने सिद्धार्थ को मुनि उद्दक रामापुत्र के बारे में बताया और कहा, उन्होंने एक ऐसी ध्यान विधि की खोज की है कि उससे तुम ध्यान विधि की 7 सीढ़ी के ऊपर 8वीं सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। लेकिन उद्दक रामापुत्र ध्यानी के ध्यान में आकर ही ज्ञान देते हैं। अगर कोई ध्यानी ध्यान के ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है तब उद्दक रामापुत्र ध्यानी के ध्यान में आकर ज्ञान देते हैं। गौतम ने वहां से विदाई लेते हुए कहा, अगर मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। हालार कलाम ने अश्रु भरी आंखों से कहा, मुझे उस पल की प्रतीक्षा रहेगी। क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, उनको पता था जब गौतम बुद्ध बनेंगे तब तक वो जीवित नहीं होंगे।
सिद्धार्थ गुरु के चरण स्पर्श करके आगे बढ़े। आलार कलाम ने उनके पैरों की धूल अपने सिर पर लगा ली और कहा, तुम लोग भी उनके चरण की धूल माथे पे लगा लो। वो देखो युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के बाद ऐसा युग पुरुष, ऐसी असीम चेतना जन्म लेती है और धरती पावन हो जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में सांख्य दर्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे और क्या सिद्धार्थ के ध्यान में आकर मुनि उद्दक रामपुत्र उन्हें ज्ञान देंगे और क्या ज्ञान उन्हें दिया था उसे भी डिटेल में समझेंगे। आगे की वीडियो बहुत ही रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दिस इज बुद्ध द वे ऑफ लिविंग।